ये सिख पंथ एक बहुत ही गंभीर मोड़ के ऊपर आज खड़ा हो गया और हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा भाई अब हम ये जो रोजमर्रा का कचहरी का पुलिस का ये नए नए फरमान आते हैं, ये जो बादल दल के अपॉइंटी हैं और ठगी करने वाले हैं इनके खिलाफ। बदकिस्मती की बात यह है कोई दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान इस ठगरी में ये ठग रहा है गुरुद्वारे को, गुरु की संगत को लूट रहा है, गुरु की गोलक को, और इसके चलते हुए ये रोज कचहरी से कभी फरमान आता है और कल जो नया फरमान इकोनॉमिक अफेंस विंग ने कोर्ट में पेश किया है वो एक लुकआउट सर्कुलर जो आंसर आया है वो इसके खिलाफ निकला है। और कितनी एक अजीब बात है भाई ये लुकआउट सर्कुलर निकला है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के खिलाफ, उसकी चोरी के खिलाफ। ये पहली दफा है भाई एक जज साहिबान ने इसको गोलक चोर कहा है और ये पहली दफा है भाई कुर्सी के ऊपर बैठे किसी प्रधान के ऊपर या वैसे भी किसी प्रधान के ऊपर चोरी के मामले में लुकआउट सर्कुलर निकला हो पुलिस का। सारी दुनिया में ये बात अब घर घर में पहुंच रही है भाई सिखों का जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान है वो चोरी के मसले में मुल्क छोड़कर अब नहीं जा सकता। ये अपने ऊपर गर्व कर रहा है भाई इसकी शुमार जो सी है आज नामी ग्रामी आदमियों में होनी शुरू हो गई है, मेहुल चौकसी जैसे, विजय मलाया जैसे, नीरव मोदी जैसे अनेक तरह तरह के जो लोग पकौड़े हो चुके हैं। पर एक बात है भाई कानून ने इन लोगों से सबक लिया है भाई हम भागने के बाद शायद ना पकड़ सकें तो उन्होंने इसको गिरफ्त में लाने के लिए पहले ही सर्कुलर जो है लुकआउट नोटिस इशू किया है जो सारी पोर्टों में बंदरगाहों में और हर कौन से बॉर्डर के ऊपर जैसे कोई अभी कोई नेपाल का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, ये इन बॉर्डर को भी क्रॉस जो है अब नहीं कर सकता। ये ऐसी विडंबना है कोई सारी सिख कौम दुनिया के सिख कौम आज शर्मसार हो रही है भाई ये सिखों के कैसे प्रधान है। सबसे बड़ी बात यह है भाई शहीदों की जत्थेबंदी कहने वाली कहने वाली है नहीं है, जो बादल दल का प्रधान है वो चुप बैठा हुआ है, जो बादल दल का सरप्रस्त है प्रसरार प्रकाश सिंह बादल वो चुप बैठा हुआ है, श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी चुप बैठी हुई है। और सबसे अफसोस की बात है हमारी धार्मिक संस्था के सबसे बड़े रहनुमा जथेदार साहबान भी जबान बंद करके बैठे हुए हैं, एक बात नहीं बोली। वो ये कहते हैं कल हमें सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, हम कहते हैं जथेदार साहब हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, बादल दल का प्रधान ड्यूटी नहीं निभा रहा, दिल्ली कमेटी का प्रधान बड़ी चोरी में फंसा हुआ है, करोड़ों रुपयों की चोरी जो उनसे इन्होंने करके करोड़ों अरबों रुपये जो उनसे इन्होंने खा लिए हैं, आपका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा? क्या ये गुरु की बेदबी नहीं है? गुरु के आगे मत्था टेकने वाले एक एक रुपया अपना तन काट के गरीब आदमी जो पैसा अर्पित करता है गुरु महाराज को अरदास करता है उसके दिए हुए पैसे को खा जाना है ये शोभा देता है किसी सिख को? किसी आम आदमी को नहीं शोभा देता, सिख को तो खैर बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। मगर आपने कोई मुंह से एक लफ्ज, हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे
जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जथेदार साहब, तो हमने उसी वक्त पत्रकारों को लुकआउट नोटिस की कॉपी जो सी है वो व्हाट्सएप कर दी थी, और वो व्हाट्सएप कॉपी उन्होंने पढ़ भी दी, मगर जथेदार साहब ने कोई बात करने से इनकार कर दिया। हम इसकी चोरियों की गिनती जो सी है वो जरूर आपको करवाएंगे। जो तुम कालो साहब की गल कर रहे हो, उन्होंने 340 फाइल की है, 340 जड़ी होंगी चलते केस के आदमी एंटर करने की कोशिश करता है, 340 इस स्टेज के उत्ते मेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है मैं दसदा विद उदाहरण। जो मनजीत सिंह जीके की गोलक चोरी का केस मैं लड़ रहा है, इसे तरह जो हरजीत सिंह सूबेदार मैनेजर से उसने भी मेरे अगेंस्ट 340 लगाई सी कि भी गुरमीत सिंह शंटी झूठे सबूतों के नाल कोर्ट के केस लैके आया। लेकिन कोर्ट ने पहली बार ही नोटिस का मतलब यह नहीं होता कि भाई सामने वाला जुर्मदार हो गया। अगर किसी ने कोई कतल किया है, कोई चोरी डकैती की है, उपरली अदालत ही जाना वह राइट है। ठीक उस तरह कल उन्होंने 340 के नाल एंटर करने की कोशिश की है। नोटिस का मतलब है कि अगली डेट देते इन्होंने कोशिश की थी कि कल ही वो हेयरिंग सुनी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं ए मैं वक्री सुनागी। कोर्ट ने नैक्सट डेट पा दी थी एनू नोटिस करना करने। नोटिस का मतलब यह नहीं होता कि सबूत गलत ने। अगली डेट देते 1010% डिसमिस होएगी जी 340 उन्होंने पाई है। मतलब वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किन्ने सबूत मंगने इन्होंने। पहले इन्होंने कहा कि FIR नहीं हुई, FIR होगी तो छड़ांगा सीट। फिर कहते जी FIR होगी झूठी होगी, मेरा नाम नहीं है। फिर कोर्ट ने क्लीयर किया कि जी FIR थोड़ा नाम है, क्लैरिटी देती। फिर कहते जी NLC वास्ते गल चली, लुकआउट LOC वास्ते कहते नहीं जी ये मेरे उत्ते नहीं हैगी है। 6 तरीक तो लैके 28 अज 27 तरीक है, 26 तरीक को दोबारा इशू हुई और क्लीयर आ गया। मनजिंदर सिंह सिरसा वास्ते LOC इज़ ओपन। तो और की चाहते हैं, किन्ने सबूत चाहिए हैं। LOC तद इशू होंगी जब कोई बंदा करप्ट होता वे या फ्रॉड करता है, गवर्नमेंट को लगता है, कोर्ट को लगता है कि जी यह बंदा नस जाएगा। और किसी भी चीज़ नाल उन्होंने उन्होंने को टाइम भी सी 20 दिन, अगर उन्होंने लगता सी गलत हुई है, ऑर्डर गलत हो रहा है, तो 20 दिन के अंदर जाके अपना कर देना पैरवी केस की क्यों नहीं की, क्योंकि उन्होंने पता है अंदरों की कि जी यह काम जोड़ा हो रहा है यह मेरे वास्ते ठीक हो रहा है और मैंने पता है इस तो बच नहीं सकता। इस वास्ते उन्होंने जोड़ा भी यह कारज किया वे कोर्ट ने वो सोच समझ के स्टैप लिता उन्होंने। वो भी कोई जज साहब ने पढ़े लिखे ने पेपर देखे होंगे तभी कुछ किया होगा, कुछ सुनवाई की होगी, वकीलदार ने अपनी दिलेला दी होगी, इन्होंने तरफ वकील होएगा, साड़ी तरफ भी होएगा और डिफेंस का भी होएगा। तो भी जी मैं पूछना भी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखो यह तो एक क्वेश्चन हैगा वे होना यह चाहिए सी कि जेडे साढ़े जथेदार साहब ने हरप्रीत सिंह जी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी सोचना चाहिए सी कि जब एक केस उन्होंने को पूछा सुखमोर साड़ी संस्था अकाल तख्त साहब उत्थे जा करके सुनवाई होनी चाहिए सी। साढ़े वास्ते सुप्रीम कोर्ट है, उत्थे सुनवाई नहीं हुई और नीचे जी कोर्टा ने साड़िया जी देश की कोर्ट है हाई कोर्ट या पटियाला हाउस कोर्ट जिते फैसला होया क्यों होया कि इतने सुनवाई नहीं हुई, उत्थे जाके केस के उन्होंने सुन लिया और पेपर भी ठीक निकल आए उन्होंने पाए और उन्होंने केस रजिस्टर कर दिता। देखो जी बिटा तुम सारा ये तो तुम पता लग ही जाएगा जिसने साडे सीनियर सब ने तुम दसिया पूरी डिटेल देती है, मगर फिर मैं तुम दसदा कि सिरसा साहब के उत्ते घट्टो घट नहीं तो 10 to 15 केस है जेडे 420 के दूजे केस है वो तो पर्सनल भी है उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बने जी। की लगता है कि सरकार उन्होंने कानून छड़ेगा या नहीं छड़ेगा? देखो जी कानून के उत्ते तो तुम पता ही है कानून का की सिस्टम है। मनजीत सिंह सचदेवा जी के और मनजीत जीके के उत्ते इल्जाम लगे कि अज 2-3 साल हो गए जी उन्होंने लटकते हैं, हूँ इन्हों किन्ने साल होने तो मैंने पता नहीं, मगर यह आ कि मनजीत जी ने अगर इल्जाम लगे से तो उन्होंने बल्कि उसका इल्जाम का उस टाइम रिजाइन देता इन इल्जाम भी लग गए ने बल्कि बाहर जाने का भी बैन हो गया सब कुछ हो गया। सनी जी की कारण है जथेदार साहब अकाल तख्त के जथेदार इस पर निगरानी क्यों नहीं मार रहे? देखो जी निगरानी ऐसा है कि पार्टिया का काम है जी, ये पार्टिया का जिसे मैं तुम्हें दसदा कि साड़ी मैं तुम पता ही है कि मैं बादल दल तो आ गया जो मेरा टाइम सगा तो जो सह छोटे साहबजाद भी फिल्मा दिखाई हुई ये MLA के इलेक्शन लड़ने से 40-50 लाख रुपये मैंने फिल्म और बाद 5-7 लाख रुपये दिता हुई मैंने दिल्ली कमेटी वालों। उस तो बाद जिन्ना स्टाफ से सारा उत्थे काम करता रहा दिल्ली कमेटी का जड़ा यूज हुआ करोड़ों का अगर हिसाब लाओ तो करोड़ों रुपये का हिसाब होता जी तनखावा दिल्ली कमेटी देती है यूज होता जिस तरह चेन्नई के
जिदा महाराज ने सेंटर नियुक्त मेयर की उत्तराखंड कश्मीर नेपाल चेन्नई सब जगह पर सेवा करने का मौका मैं मिले तो चेन्नई के जी सेवा कर गए मैं और चिंटी एम एल ए जमुना पार वाले उन्होंने नाल गया उन्होंने नाल गया तो उन्होंने असी उत्थे सेवा की सानू थोड़े दिन डेढ़ साल हो गया पहले मुझे पता लगा कि एक केस है जिदे झूठे बिल पे हुए चेन्नई करो लख करोड़ा रुपए तो मैंने उन्होंने पूछा जी कि करोड़ा के बिल पे हुए तो तू कि पता कि किन्ने का माल मेरे ना बेच मैं उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इन्ना काम से कि मैं शिल्टी एम एल ए असी चेन्नई के साडे ट्रेन च माल आया असी वो माल जो लैके सारी जगह पर वंडिया ये तो पक्का हो गया ना हाँ जी ये तो पक्का हो गया ना जिहड़े बिल से नकली से हाँ जी नहीं नहीं वो देखो जी एवं जी वो कहते जी कि तुहाडे सामने किन्ना कमाल होया मैं देखो हो सकता 40-50 लाख रुपए का वो कहते जी करोड़ा रुपए के बिल पे मैं जी ये बारे मैंने कोई नॉलेज नहीं ये बारे तुम करो और मैं हूँ पता लगा कि वो केस भी पेंडिंग है।